एवरीवन, लास्ट क्लास हमने क्या ABCD लिखना जान लिया था। उसके बाद हमने क्या किया था, स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स हमने लिख लिया था। आज हम क्या करेंगे, राइट थ्री वर्ड्स, मतलब A to Z से, ए से लेकर जेड तक हम थ्री वर्ड्स लिखेंगे। जैसे ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंड एंड ए फॉर एक्स, देन बी फॉर बॉल, बी फॉर बैट एंड बी फॉर बॉक्स। तो हम वैसे क्या करें, वैसे ए से लेकर जेड तक थ्री वर्ड्स अपने खुद से बनाएंगे, या फिर जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगी आप उसमें से देख कर लिख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले लिखना कैसे है हमें ये जानते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट थ्री वर्ड्स, ऊपर में हेडिंग डाल देंगे, फिर उसके बाद इसके नीचे लाइनिंग कर देंगे विद द हेल्प ऑफ इसके साइड मार्जिन डालेंगे। और देन इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ एक छोटा सा बॉक्स जैसा ऐसे लाइनिंग करेंगे। ये आपकी कॉपी में पहले से लाइनिंग रहती है। इसके बाद हम ये विद द हेल्प ऑफ स्केल ऐसे लाइनिंग करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, यहाँ ए लिख देंगे, देन बी, सी, और ऐसे ही हम अपने नेक्स्ट पेज में, फिर उसके नेक्स्ट पेज में, जब जब तक जेड तक नहीं खत्म होगा वैसे हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे। लिख दिया हमने। इसके बाद हम क्या करेंगे, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हम देखिए 1, 2 एंड 3, थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया हमने। थ्री पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हम कैसे लिखेंगे, यहाँ ए है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ए फॉर एफ, देन यहाँ ए फॉर एन, इन्हें पर्सिव हैंडराइटिंग लिखेंगे सुंदर से अच्छे से ताकि आपकी कॉपी अच्छी दिख सके। फिर क्या है हमारा, ए फॉर एक्स। एक और हम देखते हैं, बाकी उसके बाद आप खुद से बनाइएगा, या फिर अगर आप खुद से नहीं बना तब आप असाइनमेंट के द्वारा बनाइएगा। तो एक और हम देखते हैं, बी फॉर बॉल, बी फॉर बैट एंड बी फॉर बॉक्स। ऐसे ही आपको और भी वर्ड आता होगा बी से तो आपको भी लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या है, इजी है, बॉल, बैट और बॉक्स। तो छोटा छोटा वर्ड्स हम क्या करेंगे, फिर सी से हम थ्री वर्ड्स लिखेंगे, सी फॉर कैट, सी फॉर काउ एंड सी फॉर कार। ऐसे हम क्या करेंगे, जेड तक लिख लेंगे, ये हमारा थ्री वर्ड्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे का। ये आप अच्छे से अपनी कॉपी में इन अ गुड हैंड राइटिंग लिख लीजिएगा। और हाँ, एक और बात, आप क्या करिएगा, ये जब ए आप यहाँ लिखिएगा तो इसके नीचे आप कलर करिएगा, ऐसे यहाँ कलर करेंगे, हम फिर भी लिखेंगे, यहाँ भी कलर करेंगे, फिर यहाँ हम सी लिखेंगे, यहाँ भी नीचे हम कलर करेंगे, डी लिखेंगे, मतलब पूरे आप ए से लेकर जेड तक जो लिखिएगा उसको आप क्या करिएगा, कलरिंग करिएगा, ताकि वो क्या हो सके, सुंदर दिख सके, आपकी कॉपी और ज़्यादा अच्छी दिख सके। इसके लिए हम ये कलर करेंगे। ये आपका हो गया, A to Z तक आप लिख लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।